हाय गाइस, ड्रीम शॉ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान T20 का जो मैच होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से टीम बना सकते हैं, कौन सी टीम बना सकते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को नहीं लेना है। तो आइए पहले कुछ एक जानकारी जान लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो जो जैसा हमारे को सबको मालूम है कि बुरी तरीके से अभी बैंड बजी हुई है, लास्ट का मैच बुरी तरीके से हारे थे। पाकिस्तान टीम अभी काफ़ी फॉर्म में चल रही है। तो इनके प्लेयर के बारे में बता दूं आपको, मिटचेल मार्च जो हैं वो आपके प्लेइंग 11 में उनको चांस मिल सकता है खेलने का। और एक प्लेयर जो हैं जिनको हमारे को नहीं लेना है आज की टीम में, कोई फ़ायदा नहीं है, मिटचेल स्टार्स, जो कि ये मैच नहीं खेल पाएंगे चोट लगने के कारण। तो यदि किसी भी भाई ने, किसी भी दोस्तों ने यदि उसको लिया हुआ है तो इस वाली टीम में से उसको हटा दे, कोई फ़ायदा नहीं है। और पाकिस्तान की यदि मैं बात करूं तो पाकिस्तान की टीम बड़ी फॉर्म में चल रही है, आप सबको मालूम होगा नंबर वन टीम है आईसीसी T20 की। तो ऑस्ट्रेलिया को अभी पिछले मैच में अच्छी तरीके से हराया हुआ है उन्होंने, और इस सीरीज़ को जीत कर वो अपना वर्चस्व टीम नंबर वन रहने का कायम बनाने के अंदर पूरी तरीके से लगी हुई है। तो कोशिश करके पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात और एक और बता दूँ, हमारे स्टार बैट्समैन जो हैं शोएब मलिक, वो इस मैच के अंदर एंट्री लेंगे आ गए हैं। एच हल्लत की जगह पर उनको रिप्लेस किया गया है, और इमाद वसीम भी आ गए हैं। लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 3 विकेट लिए थे, तो अपनी बॉलिंग के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके T20 के अंदर काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है उनके, और इसीलिए उनको T20 का सुपर बॉलर भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट नज़र डाल लेते हैं कौन टीम में रहेंगे, कौन टीम में नहीं रहेंगे, प्लेयर्स आप खुद अपनी चॉइस से बनाना चाहते हो तो किन प्लेयर्स को बना सकते हो, आ जाओ। तो देखो पूरी जानकारी जो थी वो मैंने आपको यहाँ दे दी। अब रही बात प्लेयर्स की और पिच की, किस तरीके की सराउंडिंग है, एटमोसफेयर कैसा रहेगा। आबू धाबी के स्टेडियम के अंदर भाई मैच होने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का T20 मैच है। विकेट कीपर की यदि बात करूँ तो मैं सरफराज और एलेक्स कैरी दोनों ही अच्छी चॉइस है, दोनों ही ले सकते हो। मैं तो कहूँगा दो टीम बना के दोनों को ही ले लो, दोनों की परफॉर्मेंस सही है। पिच की अपन बात करें तो पिच तो वैसे तो न्यूट्रल है, स्पिनर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, एडवांटेज मिलती है स्पिनर्स को, ले लेंगे। सारे स्पिनर्स होते नहीं हैं, तो सारे भी स्पिनर्स नहीं होते तो कुछ एक स्पिनर्स और बैट्समैन दोनों को अपन इसमें डालेंगे। प्लेइंग 11 टीम की पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो प्लेइंग 11 के अंदर हमारे सारे प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, मोहम्मद ये है, इनमें से आप कोई से भी प्लेयर्स अपनी चॉइस से ले सकते हैं। टाइम ख़राब नहीं करूँगा ये बोल बोल कर, आ गया जाओ। ऑस्ट्रेलिया के जो 11 प्लेयर्स हैं उनको भी आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है, मेरे हिसाब से सेलेक्ट करके इनमें से आप अपनी खुद की टीम के अंदर से बना सकते हो। वाइस कैप्टन और कैप्टन की यदि हम बात करें तो देखो मेन ड्रीम 11 के अंदर सारा का सारा लेना देना ही केवल इसी चीज़ का होता है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के उनकी पुरानी परफॉर्मेंस को देखकर कि भाई मुझे मोहम्मद हाफिज़ को लेना है, इनमें से कोई भी ले सकते हो, बाबर आजम को लेना है, एफ जमान को लेना है, शोएब मलिक को लेना है, ए फिंच को लेना है, डी शॉट को लेना है, जी मैक्सवेल को लेना है, किसको लेना है वो आप खुद अपनी खुद की टीम बनाना चाहो तो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने खुद ने जो टीम बनाई हुई है उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं अपन कि किस तरीके की टीम मैंने इसमें बनाई हुई है। तो देखो टीम यहाँ मैंने बनाई हुई दोनों का प्रीव्यू देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ है हमारे विकेट कीपर की यदि मैं बात करूँ तो विकेट कीपर मैंने ए कार्नी लिया हुआ है, और यदि मैं यहाँ पे बैट्समैन की बात करूँ तो जैसा आपको दिख रहा है ए फिंच लिया हुआ है, डी शॉट लिया हुआ है, बाबर आजम लिया हुआ है, फ़खर जमान लिया हुआ है। ऑलराउंडर की बात करूँ जी मैक्सवेल लिया हुआ है, एम हाफिज़ लिया हुआ है, आई वसीम लिया हुआ है। और यदि यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलर की तो देखो बॉलर की इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, स्पिनर का ज़्यादा वर्चस्व रहता है इस वाले पिच के ऊपर। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ए जंपा को लिया हुआ है, ए टाई को लिया हुआ है, एस खान को लिया हुआ है, इनमें से कोई से भी आप लेकर ये पूरी की पूरी चाहो तो ये कि ये टीम बना सकते हो, ये मेरा खुद के प्रेडिक्शन से मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात करें तो टीम नंबर सेकंड भी मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो टीम नंबर सेकंड के अंदर मैंने कहा था आपको दोनों ही विकेट कीपर अच्छे हैं तो मैंने उसमें उधर वो ले लिया था, यहाँ पर मैंने एस अहमद को ले लिया, ए फिंच लिया हुआ है मैंने बैट्समैन में, सी लाइन लिया हुआ है, डी शॉट लिया हुआ है, बाबर आजम लिया हुआ है। ऑलराउंडर की बात करें तो मोहम्मद हाफिज़ लिया हुआ है, आई वसीम लिया हुआ है। बॉलर की बात करें तो एक बॉलर मैंने इसके अंदर बढ़ा लिया है, उधर मैंने सेम रखा था।
ऑलराउंडर एक बढ़ा दिया था मैंने, इधर बॉलर बढ़ा लिए। एजम को लिया हुआ है, एटाई को लिया है, एस खान को लिया है और एफ एजम को लिया हुआ है। तो इनमें से भी आप कोई से भी ले सकते हो, और चाहो तो ये कि ये पूरी की पूरी टीम भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मेरे खुद के प्रेडिक्शन से बनाई हुई टीम है, यदि आपको लगता है आपकी टीम इससे ज़्यादा बेहतर है तो आप जाओ तो उस वाली टीम के साथ में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस भी दोस्तों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो वो मुझे 9314635673 के ऊपर व्हाट्सएप कर कर भेज सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाएं, ताकि इस तरीके के वीडियोस और सारे के सारे मैच की जो टीम है मैं जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं कर पाता हूँ वो आपको इजीली वहाँ से मिल जाए, पूरी डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ में। और लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी भी मैं कई बार उसके अंदर दे देता हूँ, हो जाता है कई बार कोई मैच के अंदर लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाता है, तो लास्ट मोमेंट का चेंज ज़रूरी नहीं है मैं यूट्यूब के ऊपर डाल सकूँ, तो तुरंत टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टीम, तो इस टीम के साथ में भी आप जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, आगे की टीम व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी।